सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। प्रिया समसे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर मिल चुके हैं मॉर्निंग को, तो ऐसे ही हमारे ब्लॉग में बने रहिए। और मॉर्निंग में हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को हमारी चल रही है छुट्टियाँ, तो समझ सकते हैं उन लोग के हिसाब से सुबह सुबह मॉर्निंग से नाइट जीना पड़ता है। फिर क्या खाते हैं, क्या नाश्ते में, वैसे तो टिफिन लेके चले जाते, टेंशन नहीं रहता है। और अभी तो पूछो मत। हम आपको दिखाते हैं बैक कैमरे पे, वहाँ पे नाश्ता कर रही हैं। आपको दिख रही हैं? नहीं, हाँ दिख रही हैं। तो हमने मेयोनीज वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया है, कांदा टमाटर काकड़ी। यहाँ पे ब्रेड में घी भी लगा लिया है और यहाँ पे सिक गया है, वहाँ पे वो खा भी रही हैं, वहाँ पे वो खा भी रही हैं। तो हमने यहाँ दूसरा प्लेट भी इनको लगा दिया, ये भी लेके जा रही हैं। तो खा के बताओ। गरम है, खा लो। वहाँ पे वो खा रही हैं, ये भी जा रही हैं खाने। खाला तब तो हमके बतावा कुछ ना बोला। अब ये लोग का नाश्ता होगा, जाने दो। हम बना लेते हैं इनका नाश्ता, उसके बाद मिलते हैं आपसे। ज्यादा नहीं है, ब्राउन ब्रेड है, इसमें 5-6 सैंडविच हुआ ही, देख सकते हैं। तो इसमें होगा, दो इधर है, 5 एक एक कारी। तो इन लोग को फटाक से दे देती हूँ, मिलती हूँ। आ जाओ नैना, ले जाओ। सो फाइनली यहाँ पे सारे लोग खा लिए हैं, किसी को नहीं चाहिए ना अभी। तो अभी किसी को नहीं चाहिए, और ये बचा है मैं खा लेती हूँ, मुझे दवा खाना है, नहीं तो मैं इतना सुबह जल्दी नाश्ता नहीं करती। और ये बच गया, ब्रेड नहीं बचा अभी, सबको हो गया। अभी चलते हैं, रख देते हैं, अभी ये हम खा जाएंगे नाश्ता खाने के साथ सलाद बना के। सो हे गाइस, तो यहाँ पे हो चुकी है इवनिंग, मतलब खाने का समय हो चुका है यार, 9:30 बज चुके हैं। तो सारे लोग खा लिए, अभी खाने को बाकी है, देख सकते हैं। टीवी देखती रहती है। तो क्या क्या खा रही हूँ, रोटी, भिंडी, आलू की सब्जी और दाल, पता नहीं कौन सी दाल है, निमोना है, निमोना की दाल। सादी दाल भी बनी है तो नहीं ली तुम, मुझे बोला वाईफाई को देख रहा, मुझे किसी ने बोला, मैंने बोला रोटी छोड़ दी, नहीं नहीं हमारा डेली का नाटक है, डेली ऐसे करती। तो मेरे घर में कुछ आया नया चीज, क्या आई नई चीज ऐसी जो हम आपको दिखाना चाहेंगे, तो किसी किसी घर में ये वाला लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उस चीज से हमारे बाबू को कुछ हानि भी हो चुकी है, तो बहुत बड़ी दुर्घटना घट गई थी वो इनकी वजह से। मतलब जो चीज आई है ना, थर्माकोल था वो, इन्होंने दे दिया उसको और मुंह में खा लिया, और उसके बाद पूरा उल्टी कर दिया। अच्छा हुआ पेट में उसके गया नहीं, तो जल्दी कुछ मुंह में डालता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे डाल लिया और पूरा उल्टी किया। तो आपको हम दिखाते हैं बैक कैमरे पे क्या पहला पहला कांड हुआ, तो उसका इधर फूट गया, वो भी उसकी वजह से, वो भी उसकी वजह से उसने ही लगा। दूसरा उसका सुबह सुबह, तो सुबह से आज उसको चोट लग रही है, वो मस्ती भी बहुत करता है, आप देख सकते हैं, देखो क्या कर रहा है। तो अभी हम दिखाते हैं बैक कैमरे पे लग रही है, तो यहाँ पे लग चुका है, बंद कर दो पानी हो गया शायद मशीन। तो इसका पूरा नाम क्या है मैं देख के बताती हूँ। तो यहाँ पे लिखा है पीवीसीस, अब देख सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, क्योंकि ये मशीन हो गया था खराब, पहले वाली मशीन आप देखे होंगे हमारे वीडियो ब्लॉग में कैसा था, तो ये कुछ अलग तरीके से है। तो आप देख सकते हैं
और देख के कमेंट करके बताइए किसके किसके यहाँ पे ये है। बेटा तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे, आपको पसंद आया कि नहीं। तो इसका पानी एकदम यार बिस्लेरी और इसमें कोई फर्क नहीं है। फाइनली ये निकाल रही है यहाँ से, मैंने कुछ ऊपर लगवा दिया क्योंकि ये लोग इतनी आलसी हो गई थी ना, कभी कभी मुंह खोल के ऐसे पी रही थी ऐसे, तो अभी नहीं पी पाएगा कोई भी क्योंकि सीधे 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 ये लोग पानी पानी हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ऊपर कर दिया। लेकिन दिख भी तो नहीं रहा भर रहा है कि नहीं। हाँ तो थोड़ा कम ही भरा करो ना। तो अभी के तो अभी के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। और आप कमेंट कर, हाँ पानी भी दिख रहा है और ऑटोमेटिक है अपने आप बंद होता है अपने आप। आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम खाना खा लेते तब तक, क्योंकि हम अभी इंतजार कर रहे थे इनके पापा का कि ये आएंगे तो हम खाना खाएंगे, लेकिन वो अभी तक नहीं आए। तो बाबू को भी खिलाना है तो बाबू को ही पहले खिला लेते हैं और लगे रहिए हमारे ब्लॉग में। और देख के कमेंट करके जरूर बताइए कैसा है। अंशु इधर ही है, घूम रहा है देखो। तो लगे रही हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं हम आपसे कुछ टाइम। सो हे गाइस गुड मॉर्निंग, कौन आया? तो यहाँ पे हम अपना वीडियो एंड नहीं किए थे तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आप मॉर्निंग का नाश्ता भी देख लीजिए क्या हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो अब माँ बेटी ही हैं, इन लोग की चल रही है छुट्टियाँ तो हम आपको दिखाई देते हैं क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इडली लगा हुआ है, यहाँ पे इन लोग का डोसा लगा हुआ है, हमारे मेहंदी वड़ा लगा हुआ है। हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं, तो जिसको जिसको नहीं पता है जो हमारे वीडियो गाँव से देखते हैं उन बहनों को और उन माता लोग को हम बोलना चाहेंगे कि मेहंदी वड़ा इसी को बोलते हैं। तो कुछ लोग हैं जिसको पता नहीं है मेहंदी वड़ा, उनको पता है ये चीज़ वो लोग खाए हैं लेकिन उसका नाम चेंज है यहाँ पे मुंबई में, तो हम बता भी देंगे उनको। पूछती है मैडम मेहंदी वड़ा क्या होता है, तो देख सकते हैं जो आप में आप गांव में जिसको बड़ा बोलते हैं वही है। तो गांव में मोटा सा रहता है मतलब अच्छा नहीं लगता, ये कुरकुरा है बारीक सा पीसा रहता है, तो इसमें सिर्फ जीरा मिर्च और नमक डाला रहता है, इसके साथ एक चटनी रहती है, तो इसके लिए ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारे दोनों बच्चों के लिए है, ये वही लोग खाएंगे। और हमको पता है आपको कि हमारा इस समय तबीयत नहीं ठीक है तो हमें नहीं खाना है, सब ऑयली चीज़ नहीं खाना है, तो तेल में छाना गया जैसा कि आपको पता है। ये हमने ले लिया अपने लिए इडली, तो ये इडली है आप देख सकते हैं, ये तो गांव में भी अभी बनने लगा है लेकिन ये राइस का बनता है, आप देख सकते हैं। ये रहा हमारा नाश्ता, तो हम ये नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे नए ब्लॉग में। और आप लगे रहिए हमारे ब्लॉग में और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो कैसा लगा आपको। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। अगर हमारे वीडियो पे आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड लोग में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ अगर नए नए हैं आप तो बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, रेड कलर की बटन जो होती है उसको जरूर दबा दीजिएगा, तभी तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगी और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो जो जो हमसे नए नए सिस्टर जुड़े हैं हम उनको बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ आप कमेंट कर दिया करिए कि प्लीज़ मैम मतलब आप मैं तो बहुत बड़ी नहीं हूँ अभी अभी कितना हुआ है, दो तीन लोग ऐसा कमेंट किए मैम मुझे भी सपोर्ट करिए, तो हमने तुरंत उनको सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ जो हमसे नीचे रहेंगे ज़रूर हम उनको कमेंट सब्सक्राइब करेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे, तो कमेंट करके जरूर बताएगा और हम कर लेंगे उनको। और आप ऐसा टेंशन मत लीजिएगा, मैं इतना भी बड़ी नहीं हूँ लेकिन हाँ मुझे पता है कैसे आगे जाते हैं क्योंकि मैंने भी संघर्ष किया, एक साल हो गया यार मुझे और अभी 500 फॉलोअर नहीं हुए। तो बस लगे रही हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ हमारे भी वीडियो डेली आप लोग को बोलना चाहेंगे, हमारी वीडियो डेली देखा करिए और डेली कमेंट किया करिए, जो जैसा रहता है वो कमेंट करके जरूर बताया करिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड मॉर्निंग।